चेन्नई में खेली गई एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में मलेशिया को शिकस्त देकर ये खिताब अपने नाम किया है। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीत ली है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब टीम इंडिया ने अपने नाम किया है। भारत के लिए इस मुकाबले में निर्णायक यानी कि चौथा गोल आकाशदीप ने दागा, जिसकी बदौलत टीम इंडिया को अंतिम क्वार्टर में जीत मिल पाई। मैच की बात करें तो भारत के लिए इस मुकाबले में जीत के आसार कम दिखाई दे रहे थे, क्योंकि तीसरे क्वार्टर तक मलेशिया की टीम 3-1 से आगे चल रही थी, लेकिन तीसरे क्वार्टर में टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की। सबसे पहले कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक पर दमदार गोल किया। इसके कुछ क्षण बाद गुरजन सिंह ने फील्ड गोल दागकर मुकाबले को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। फिर आखिरी क्वार्टर में आकाशदीप सिंह ने भारत के लिए निर्णायक गोल दागा। बता दें कि टीम इंडिया की इस जीत से पूरे देश भर में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज हस्तियों ने टीम इंडिया को इस जीत पर बधाई दी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भी टीम इंडिया को शुभकामनाएं मिल रही हैं। टीम इंडिया ने चौथी बार ये खिताब अपने नाम किया है और मलेशिया को इस मुकाबले में हराकर भारत का नाम रोशन किया है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में 9 अगस्त को भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। इस प्रतियोगिता में भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन की टीम को भी नॉकआउट में हराया था। भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके दम पर अब भारत ने चौथी बार ये खिताब जीता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।